नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। रायपुर में आदिवासी महोत्सव का शानदार आगाज हुआ, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन, साइंस कॉलेज मैदान में महोत्सव। तीन दिनों तक लगातार होंगे कार्यक्रम, विदेशी कलाकारों के साथ 29 राज्यों के कलाकार 3 दिनों तक प्रस्तुति देंगे। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से होगी धान खरीदी, सीएम भूपेश बघेल ने दिए निर्देश, कहा किसानों के पास पैसों की कमी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, पत्र के जरिए छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हालत पर कसा तंज, बीजेपी अध्यक्ष ने लिखा सोनिया गांधी को पत्र। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, प्रदेश में संगठन के कामकाज को लेकर दी जानकारी, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हुई चर्चा। एमपी में 4 सीटों पर उपचुनाव के प्रचार का थमा शोर, अब डोर टू डोर कैंपेन, 30 अक्टूबर को वोटिंग, अब 2 नवंबर को आएंगे नतीजे। उपचुनाव के बाद पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा निर्वाचन आयोग, सभी जिलों में बनाई गई स्टैंडिंग कमेटी, अधिसूचना जारी होने से पहले होगी बैठक। उपचुनाव के लिए मतदान की तैयारी पूरी, मतदान के दौरान कोविड नियमों का किया जाएगा पालन, मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन अपर पदाधिकारी राजेश कौल ने कहा प्रत्याशियों पर रहेगी नजर। भोपाल में 1 नवंबर से शुरू होगा कांग्रेस का सदस्यता महाअभियान, पीसीसी चीफ कमलनाथ करेंगे अभियान की शुरुआत, 1 नवंबर से 31 मार्च तक चलेगा अभियान। जोवड़ विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन होने पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर हुई FIR, प्रचार थमने के बावजूद सड़कों पर घूमते नजर आए गोविंद सिंह राजपूत। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का जनसंपर्क अभियान, स्लोगन के साथ 2 दिन तक कार्यकर्ता संपर्क करेंगे और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। छिंदवाड़ा पहुंचे कांग्रेस सांसद नकुल नाथ का हवाई पट्टी पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, मीडिया से बात करते हुए नकुल नाथ ने भाजपा को जमकर घेरा। किसान आंदोलन में शिरकत करेंगे नकुल नाथ, 29 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में होगा किसान आंदोलन, हजारों किसान आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। पूरे देश में बल रही मध्य प्रदेश की साइबर पुलिस, I4C की समिट में मिला पुरस्कार, 5 मॉड्यूल का एक साथ खुलासा करने पर मिला पहला स्थान। भोपाल एम्स के बाहर मेडिकल स्टूडेंट्स की हड़ताल, कोविड के दौरान किए गए काम का भुगतान अभी तक नहीं होने से नाराज हैं छात्र, प्रबंधन ने अभी तक नहीं किया है भुगतान। कोरोना काल में दिवाली क्रिसमस और नए साल पर पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की हुई मांग, NGT भोपाल में दायर हुई पटाखों को बैन करने की याचिका, याचिका पर सुनवाई हुई पूरी, NGT ने फैसला सुरक्षित रखा अपने पास, भोपाल इंदौर जबलपुर समेत ग्वालियर में पूर्ण प्रतिबंध, जबकि दूसरे शहरों में सिर्फ 2 घंटे ग्रीन पटाखे जलाने की मांग। इंदौर में UEW की बड़ी कार्रवाई, नगर निगम में लेखा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली, शिकायत पर हुई छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई छापेमारी। छापेमारी के दौरान घर में लग्जरी कार और अन्य बैंक खातों की मिली जानकारी, सोने चांदी के आभूषण सहित 1 करोड़ से अधिक की कंपनी के संपत्ति के कागजात मिले। स्वास्थ्य विभाग की जर्नी एक्सप्रेस हुई सड़क हादसे का शिकार, देर रात उमरिया से जबलपुर आते वक्त ट्रक से हुई जोरदार टक्कर, मौके पर 3 लोगों की मौत, एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, 2 महिलाओं समेत कुल 4 लोगों की हुई मौत। पनागर हाईवे पर हुआ हादसा। नासिक से इंदौर आ रही बस पलटी, मौके पर ही एक व्यक्ति की हुई मौत, बस के केबिन में मिली शराब की बोतल। कोरबा में दोस्तों के साथ मस्ती करना नाबालिग को महंगा पड़ गया, नहर में कार गिरने के बाद फंस गए थे सभी दोस्त, आसपास के लोगों ने शीशा तोड़कर चारों को बाहर निकाला। बड़वानी के सेंधवा शहर से 20 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र की सीमा में हुआ बड़ा सड़क हादसा, ट्रक में कार के घुसने से 3 लोगों की मौत हो गई।
ददिया में मोबाइल बैटरी फटने से 3 बच्चे घायल हो गए। मोबाइल की बैटरी से खेल रहे थे बच्चे, पुरानी बैटरी फटने से हुआ हादसा। ग्वालियर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया पर्दाफाश, 3 युवतियों और 10 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुराद थाना इलाके में एक मकान में चल रहा था देह व्यापार का गोरख धंधा। मंदसौर के सादलपुर गांव में प्रेमिका के पिता के धमकाने के बाद प्रेमी ने किया सुसाइड, सुसाइड से पहले मृतक ने बनाया था वीडियो प्रेमिका के पिता पर, झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देने का लगाया आरोप। राजनांदगांव में परिवार के सभी 4 लोगों ने की सामूहिक खुदकुशी, पारिवारिक विवाद के चलते उठाया कदम, महिला के सिर पर चोट के निशान। राजगढ़ में रिटायर्ड शिक्षक से ठगे गए 3,63,000 रुपए, बुजुर्ग से व्हाट्सएप कॉलिंग के दौरान बनाया गया अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ठगे पैसे। दुर्ग में पकड़े गए 15 लाख की लूट के आरोपी, इंडियन बैंक से क्लर्क से हुई थी 15 लाख की लूट, बिहार के रहने वाला था मुख्य आरोपी। भोपाल में परियोजना प्रशासन विभाग को बंद करने का कर्मचारियों ने किया विरोध, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने 3 सूत्री मांगों को लेकर CPA कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। रायगढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर भारतीय मजदूर संघ का प्रदर्शन, भारी संख्या में पहुंचे मजदूरों ने की नारेबाजी, अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। दमोह जिले के किसानों ने समय पर खाद न मिलने पर सागर दमोह हाईवे पर जाम लगा दिया, एक अदद बोरी खाद के लिए लाइन में घंटों खड़े रहने के बाद भी किसान को नहीं मिल पा रही खाद। बेमेतरा जिले में शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने, नावागढ़ ब्लॉक के रनबोर्ड गांव में कुछ दिन पहले स्कूल की छत के प्लास्टर गिर जाने से कई बच्चे घायल हो गए थे, जिससे शिक्षा विभाग ने अभी भी सीख नहीं ली है। बेमेतरा जिले के बिरला ब्लॉक के ग्राम तेवरैया के प्राइमरी स्कूल की छत के प्लास्टर जर्जर होकर गिरने लगे हैं, उसी छत के नीचे कक्षा लगाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। अनूपपुर में 3 दिन से लापता युवक का मिला शव, गांव के तालाब में राजमिस्त्री रामनाथ कोल का मिला शव, 25 तारीख से लापता था युवक। ग्वालियर के प्रॉपर्टी डीलर की खुदकुशी मामले में कार्रवाई, कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा के खिलाफ केस दर्ज, प्रॉपर्टी डीलर सीताराम शर्मा की इलाज के दौरान मौत हुई। होशंगाबाद में RKTC रेत कंपनी के करबला जांच चौकी पर हुए हमले का CCTV फुटेज सामने आया, वीडियो में करीब 1 दर्जन लोग चौकी सहित 4 पहिया वाहन में तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले बजरंग दल के जिला सह संयोजक नितिन मेशकर सहित 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में फर्जी पट्टा और जमीन के दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, कलेक्टर SDN के साथ पटवारी के सील से फर्जी वादा करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पामगढ़ पुलिस ने आरोपियों से बड़ी मात्रा में जब्त किया फर्जी सील और स्टाम्प, आरोपियों के खिलाफ फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया है। छतरपुर में एक साथ बैठकर ताश खेलने का वीडियो वायरल हुआ है, जिले में लगातार जुए का कारोबार चल रहा है, वीडियो तेजी के साथ ये वायरल हुआ है।
ओडिशा में मिट्टी के दिए बेचने पर इस बार नहीं लगेगा टैक्स। प्रोत्साहन देने के लिए कलेक्टर ने जारी किया आदेश। मिट्टी के दिए बनाने वालों ने जताया कलेक्टर का आभार। धनतेरस से पहले विदिशा में शुरू हुई तैयारियां। पुष्य नक्षत्र पर बरसेगा सोना। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आंकड़े। 18 साल से ज्यादा की उम्र की 70% आबादी को लग चुकी है वैक्सीन की पहली डोज। देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े। 24 घंटे में देश में 16,156 केस नए सामने आए। 733 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ाई। पिछले 24 घंटे में 20 नए मरीज मध्य प्रदेश में मिले। बस्तर में फूटा कोरोना बम। 14 नए मामले सामने आने के बाद जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में मचा हड़कंप। एमपी में डेंगू का बढ़ता प्रकोप। मध्य प्रदेश में मरीज 10,000 के पार। ग्वालियर बना हॉटस्पॉट। बैरसिया में डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है। डेंगू से बचने के लिए आमजनों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। अखंड सेवा एवं जन विकास कल्याण समिति के अध्यक्ष अमित चौहान के तत्वावधान में नगर के बस स्टैंड चौराहे पर डेंगू से बचाव के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उपाय किए गए। इंदौर में 10 नए डेंगू के मरीज पाए गए। 772 पहुंची डेंगू के मरीजों की संख्या। 19 मरीजों का अस्पताल में चल रहा इलाज। इंदौर में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 30। शहर में 3 दिन में 25 मरीज मिले। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंदौर कलेक्टर ने की लोगों से अपील। बढ़ते मामलों पर कलेक्टर ने जताई चिंता। सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कलेक्टर ने कहा, कोरोना से रहें सावधान। विश्व के कई देशों में फिर लग रहा है लॉकडाउन। जिनका सेकेंड डोज बचा है वे तत्काल लगवाएं वैक्सीन। भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। पिछले 24 घंटे में मिले 20 मरीज। शहरी इलाकों में बढ़ रहा संक्रमण। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,156 नए मामले सामने। 17,095 लोग ठीक हुए। 733 लोगों की जान गई। केरल में 9,445 नए मरीज सामने आए। 93 लोगों की जान गई। 6,723 लोग ठीक हुए। 24 घंटे में दिल्ली में 38 नए मामले सामने आए। 13 मरीज ठीक हुए। आज फिर तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 35 पैसे और डीजल के भाव में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 108.29 रुपये हो गई है, तो वहीं डीजल का रेट 97.02 रुपये प्रति लीटर हो गया है। चंडीगढ़ में पेट्रोल के दाम में 104.22 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं, तो वहीं डीजल 96.73 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 114.14 रुपये प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 105.12 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। नोएडा में पेट्रोल के दाम 105.44 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं डीजल 97.67 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। अरुण केस में मुख्य गवाह किरण गोस्वामी पुणे से गिरफ्तार। धोखाधड़ी मामले में की गई कार्रवाई। साल 2018 में नौकरी का झांसा देकर 3,00,000 रुपये ठगने का आरोप है। उत्तराखंड के चमोली जिले में देर रात से लगातार बारिश जारी है। बारिश की वजह से बद्रीनाथ धाम में ऊंचाई वाली चोटियां पर हिमपात भी शुरू हो गया है। मोदी 29 से 31 अक्टूबर के बीच में इटली का दौरा करने वाले हैं। यह दौरा G20 समिट के लिए होगा। 29 अक्टूबर से शुरू होने वाला प्रधानमंत्री मोदी का इटली दौरा 31 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। 31 अक्टूबर को पीएम मोदी COP26 क्लाइमेट चेंज समिट के लिए ग्लासगो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने सेना और पुलिस के जवानों पर गोलियां बरसाई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी के पास से पिस्टल, एक लोडेड मैगजीन और एक पाकिस्तानी ग्रेनेड बरामद हुआ है। पुलिस के बारामूला जावेद बारामूला में एक दुकानदार को निशाना बनाने के मामले में मिशन पर था। आतंकी ने कुछ दिन पहले कश्मीर में बिहार में 2 नागरिकों की हत्या की थी। फेसबुक ने जुलाई से सितंबर की तिमाही में 67.6 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। पिछले साल इस दौरान कंपनी को 58.5 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था।
कंपनी का तिमाही मुनाफा बढ़कर 67.7 करोड़ हो गया है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 17% का इजाफा हुआ है। गुजरात के वडोदरा में एक व्यक्ति ने खराब प्लेन को रेस्तरा में तब्दील किया। ये व्यक्ति का कहना है कि मैं इस प्लेन को बेंगलुरु से वडोदरा लेकर आया। सुनील शेट्टी के बेटे आहान की डेब्यू फिल्म तड़प के 2 ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं। टीजर में आहान शेट्टी और तारा सुतारिया के किरदारों की झलक दिखाई गई है। पहले टीजर में बाइक नजर आती है और बाद में शर्टलेस लुक में सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं, हालांकि इसमें उनका चेहरा नहीं दिखा है। अक्षय की फिल्म पृथ्वीराज में सोनू सूद की एंट्री। खबर है कि अभिनेता सोनू सूद कवि चंद विदराई की भूमिका निभाते नजर आएंगे। इस खबर के साथ कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। फिल्म का डायरेक्शन डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी कर रहे हैं।